हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, फास्टलेन 2021 के लिए WWE ने और बहुत सारे मैचेस अनाउंस कर दिए हैं और इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन सभी मैचेस के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि रेसलमेनिया 37 के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि ड्रू मैकइंटायर फेस करेंगे बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप के मैच में, तो अगर फास्टलेन 2021 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं तो रेसलमेनिया 37 में वो भी रहेंगे बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के मैच में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज जब मंडे नाइट रॉ में शेन मैकमैन और ब्रॉन स्ट्रोमन फेस टू फेस आए, तब शेन मैकमैन फिर से मजाक उड़ा रहे थे स्ट्रोमन का। और जब स्ट्रोमन ने अटैक करना शुरू किया शेन मैकमैन के ऊपर, तो शेन ने कैमरे से स्ट्रोमन को मारकर टेबल पे लेटा दिया और उन पे टेबल तोड़ने के बाद उन्हें ग्रीन लिक्विड से भी नहला दिया। और शेन मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमन को लगातार स्टूपिड भी बोलते रहे। लेकिन अब ब्रॉन स्ट्रोमन के पास मौका है शेन मैकमैन से बदला लेने का, क्योंकि फास्टलेन 2021 में ब्रॉन स्ट्रोमन फेस करेंगे शेन मैकमैन को सिंगल्स मैच में। पर दोस्तों, मेरे हिसाब से शेन मैकमैन इस मैच में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इन दोनों का फ्यूड कंटिन्यू होगा रेसलमेनिया 37 तक, और रेसलमेनिया 37 में इन दोनों का सिंगल्स मैच हमें फिर से देखने मिल सकता है। दोस्तों, बिगी ने अपोलो क्रूज को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच दे दिया है और अपोलो फास्टलेन 2021 में पूरी कोशिश करेंगे फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने की। और जिस तरह से वो बिगी पर अटैक किए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि बिगी इंजर्ड होकर फाइट करेंगे फास्टलेन पेपरव्यू में, इसलिए अपोलो क्रूज के पास इस मैच में एडवांटेज होगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि बिगी अपोलो को हराकर उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। और स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स उनकी रेसलमेनिया 37 की अपोनेंट बियांका ब्लेयर के साथ टीम अप करेंगी और फेस करेंगी टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स और शायना बेसलर को वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में। और क्योंकि साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर के बीच बहस शुरू हो गई है, इसलिए ये दोनों फिर से रेजिनल्ड की वजह से टैग टीम चैंपियन नहीं बन पाएंगी और इन दोनों का ब्रॉल भी हमें देखने मिलेगा फास्टलेन 2021 में, और साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर का फ्यूड कंटिन्यू होगा रेसलमेनिया 37 तक। दोस्तों, एलेक्सा ब्लिस हर हफ्ते प्रॉमिस करती हैं कि द फिंड रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फिंड रिटर्न नहीं आए। पर फिर भी एलेक्सा टॉर्चर किए जा रही हैं रैंडी ऑर्टन को, और अब WWE ने अनाउंस कर दिया है कि फास्टलेन 2021 में एलेक्सा ब्लिस फेस करेंगी सिंगल्स मैच में रैंडी ऑर्टन को, और ये बहुत ही फिल्मी टाइप का मैच हमें देखने मिलेगा और इस मैच में द फिंड ब्रे वाइट फाइनली रिटर्न आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन का क्या अजीब सा सेगमेंट फिर से फैंस को देखने मिलता है फास्टलेन 2021 में, और क्या द फिंड ब्रे वाइट रिटर्न आकर रैंडी ऑर्टन से उनका बदला लेते हैं या नहीं, और ड्रू मैकइंटायर उनके पुराने दोस्त शेमस के साथ एक बार फिर से फाइट करेंगे फास्टलेन 2021 में। और क्योंकि ड्रू मैकइंटायर का मोमेंटम अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए ड्रू शेमस को हराकर ये मैच जीत जाएंगे और फिर बॉबी लैशली उन पे आकर अटैक कर सकते हैं। पर दोस्तों, क्योंकि बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर का मैच फिक्स हो गया है, इसलिए अगर ब्रॉक लेसनर फास्टलेन 2021 में रिटर्न नहीं आते हैं तो रेसलमेनिया 37 में ब्रॉक लेसनर का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए हमें देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि फास्टलेन 2021 में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ जाएं। दोस्तों, डैनियल ब्रायन ने फैंस को प्रॉमिस किया है कि वो फास्टलेन पेपरव्यू में नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे और वो रोमन रेक्स को हरा देंगे। और डैनियल ब्रायन ने ये भी बोला है कि वो रोमन रेक्स को टैप आउट भी करवाएंगे, जबकि रोमन ने उनके WWE के करियर में अभी तक कभी भी टैप आउट नहीं किया है। पर क्योंकि डैनियल ब्रायन ने एज पर भी अटैक कर दिया था, इसलिए अब एज भी उनका साथ नहीं देंगे और फास्टलेन 2021 में रोमन रेक्स डैनियल ब्रायन को फिर से हरा कर उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन भी कर लेंगे। वैसे दोस्तों, आप फास्टलेन 2021 में कौन से मैच का इंतजार कर रहे हो कमेंट्स में मुझे बताएं। और फास्टलेन 2021 इंडिया में सोमवार 22 मार्च की सुबह 5:30 बजे से Sony 10.1 और Sony 10.3 पर देगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।